फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे लाजवाब पनीर की ड्राई सब्जी। तो चलिए मैं इसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने ये पनीर की ड्राई सब्जी कैसे बनाई है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या क्या लिया है वो मैं आपको बताती हूँ, और डिटेल में आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पनीर ले लिया है, चलिए पैन अब रख देते हैं और ये गरम कर लेते हैं पैन। अब पैन गरम हो गया है तो हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं इसमें। तो मस्टर्ड ऑयल को हम गरम होने देंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, बस धुआं निकलने लगे उसके बाद हम 4-5 ही लहसुन की कलियां मैंने ले ली है, इनको चॉपर वाला जो हमारा बॉक्स है उसमें डाल दिया है चॉप करने के लिए। और ये एक टमाटर ले लिया है, इसको पीस से कट कर लिया है ताकि ईजिली चॉप हो जाए। और ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और हमने ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, तो चलिए इसे चॉप कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे पास ड्राई मेथी रखी हुई थी जो बाहर मार्केट में मिल जाती है, बट ये हमने मेथी को सुखा कर वो वाली यूज़ की थी। चलिए पैन गर्म हो गया है तो ये 4-6 काली मिर्च और ये 2 लौंग डाल दिए हैं। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जीरा ऐड कर देंगे, ये जीरा। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मेथी के दाने ऐड कर देंगे, तो ये रहे फ्रेंड्स मेथी के दाने, और एक पिंच हींग ऐड करेंगे। तो ये हमने इसमें एक पिंच के करीब हींग ऐड कर दी है। अभी देखिए हमारा जीरा अच्छे से चटकने लगेगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने चॉप किया हुआ है अदरक प्याज टमाटर का पेस्ट और लहसुन का, उसे ऐड कर दिया हमने। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भुने देंगे, 5-6 मिनट लगेंगे इसको भुनने में, और इसलिए हम तेज आंच पे इसे भून सकते हैं ताकि फटाफट से हमारे जो ओनियन है ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और टमाटर ईजली गल जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें प्याज भी गोल्डन ब्राउन करना है इसलिए हमें पहले नमक ऐड नहीं किया है, इसलिए इसको आराम से धीरे धीरे पकने देते हैं। अभी हमारा प्याज ये देखिए लगभग गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पनीर के टुकड़े कर लिए हैं स्क्वायर शेप में, और ये जो मेथी था हमारा पास सूखा हुआ उसको पानी में हमने भिगा लिया है, 5-7 मिनट के लिए भीग जाएगा, उसके बाद हम मसाला इसी में ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हल्दी ऐड करते हैं हम 1 टेबल स्पून, एंड 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हमने बड़ी चम्मच ली है, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और ये देखिए हमारा मिक्स हो गया, और इधर हम अपने ये जो प्याज और टमाटर इसको चॉप करके डाला था, लहसुन का पेस्ट इसको देख लेते हैं। ये भी देखिए प्रॉपरली इसमें ऑयल छोड़ दिया है इसने, इसका मतलब अच्छे से भून गया है। अभी हम वो जो मसाला मिक्स किया हुआ था इसको ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से इस टमाटर प्याज में मिक्स कर लेंगे और इसको धीरे धीरे भूनने देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐसे ही भुनने देंगे और हम इसमें बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और अभी हम इसमें सब्जी मसाला ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक ऐड करेंगे हम। और अभी नमक ऐड करने के बाद हम इसे 6-7 मिनट तक पकने लग देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और इसमें ऑयल दिखाई देने लगे। और ये देखिए हमारा धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो चुका है, ये कितना अच्छा ग्रेवी सा लग रहा है देखिए। और ये अभी देखिए इसका पानी थोड़ा और सूख गया है, और हमें इसे तब तक भूनते रहना है और चलाते रहना है बीच बीच में
जब तक इसमें ऑयल ना दिखने लगे। तो ये देखिए मैं इसमें बीच बीच में चलाते भी जा रही हूँ और अच्छे से भून रहा है ये। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक चम्मच के करीब बेसन ऐड करेंगे। बेसन से क्या होगा, हमारे जो पनीर है उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। बट ये देखिए अभी इसका ऑयल आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे जो ये मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं और अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए हमारा प्रॉपर भुन गया है, ये पूरा पानी भी इसका सूख गया है। तो हम अभी इसको चलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। और अब हम इसमें एक चम्मच के करीब बेसन ऐड कर देंगे। तो ये हमने बेसन ऐड कर दिया है और इसको जल्दी से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो बेसन है ऑयल में मिक्स हो जाए और भुन जाए। और ये देखिए थोड़ा ड्राई सा लग रहा है, भुन गया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो पनीर के टुकड़े काटे थे वो हमने इसमें ऐड कर देते हैं और इनको धीरे धीरे मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो ये पनीर के टुकड़े हैं ये टूटे नहीं, साबुत रहें। तो ये देखिए, और अब पनीर डालने के बाद हम जो गैस की फ्लेम है उसको स्लो कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है जले नहीं और पनीर भी धीरे धीरे करके गोल्डन ब्राउन होके पक जाए। तो ये देखिए अभी हम इसमें एक चम्मच के करीब कर्ड ऐड कर रहे हैं, यानी कि दही। तो देखना फ्रेंड्स दही से कितना अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा क्योंकि हमने एक ही टमाटर ऐड किया था। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, दही के डालने से इसमें थोड़ा सा स्मूथी सा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें क्या करना है, ये हमने गैस तो स्लो कर दिया है और अभी हम पनीर को भुनने देंगे क्योंकि हमने पनीर बिना भुना हुआ डाला है। इसे जब तक हम स्लो में पनीर को गोल्डन कलर का नहीं कर लेंगे तब तक इसको ऐसे स्लो स्लो फ्लेम पे इसको भुनने देंगे। जब हमारा ये पनीर भुन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आ जाएगा। तो इसको स्लो करके हम इसको भुनने देंगे, इसमें कम से कम आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए 5-7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कुछ पनीर के टुकड़े में कितना अच्छा कलर आया है, ये गोल्डन कलर। तो ध्यान देना है आपको, पनीर को धीमी आंच में अच्छे से भूनना है। और ये आपकी ड्राई पनीर की सब्जी रेडी है, इसको सर्विंग बाउल में कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ट्राई